दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पीएफ के बैलेंस को ऑनलाइन चेक कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और उसमें आप ये भी पता कर सकते हो कि आपका पीएफ कौन सा है, आपकी कंपनी का शेयर कौन सा है और आपका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन वो कौन सा है। और दोस्तों आप ये भी पता लगा सकते हो कि उसमें से आप कौन सा पीएफ का बैलेंस निकाल पाओगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज रहते हैं कि उनका जो पीएफ है उनमें से तीन जगह दिखाता है, चार जगह दिखाता है, तो कौन सा पैसा उसमें से वो विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को जो पूरा प्रोसेस है वो बताता हूं कि कैसे आपको अपने पीएफ का बैलेंस चेक करना है और आपको ये भी चेक करना है कि कौन सा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पीएफ की जो पासबुक की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आ जाता हूं। यहां पर आप देख सकते हो मैं पीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पासबुक की यहां पे आ चुका हूं और मैंने लॉगिन भी कर लिया है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों अब आपको यहां पे बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो सबसे ऊपर आपको आपका नाम दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन मेंबर वाइज बैलेंस, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने जितने भी कंपनियों में काम कर रखा है, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी, जितने भी कंपनी में काम कर रखा है यहाँ पे आपको सीरियल वाइज शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अभी इन्होंने एक ही कंपनी में काम किया है तो एक कंपनी का मेंबर आईडी दिखा रहा है और यहाँ पे एक कंपनी का पीएफ का बैलेंस भी दिखा रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं, अगर आप यहाँ पे दो कंपनी में काम किए होते तो यहाँ पे सीरियल नंबर दो लिख के आता, उसके नीचे आपको यहाँ पे लिख के आ जाता आपका मेंबर आईडी और उसके सामने उस कंपनी का जितना भी बैलेंस रहता वो यहाँ पे आपको शो हो जाता। अब दोस्तों इसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ और आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी, मतलब कि यहाँ पे आपके पीएफ का टोटल कंट्रीब्यूशन का समरी दिख जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल अवेलेबल बैलेंस, मतलब कि यहाँ पे आपके जितने भी कंपनियों का पीएफ है, मतलब तीन कंपनी, चार कंपनी, दो कंपनी या सिंगल एक कंपनी, जितने भी कंपनी का पीएफ रहेगा वो आपको यहाँ पे टोटल इकट्ठा करके दिख जाएगा। उसके नीचे आप देखोगे तो इसमें आपका शेयर, मतलब आपने आपका जितना पैसा कटा है वो, और उसके नीचे आपके एम्प्लॉयर का शेयर, मतलब कि आपकी कंपनी ने जितना भी इकट्ठा किया है वो, ये दोनों चीज यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बहुत सारे पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज रहते हैं कि उनका जो पीएफ है वो कौन सा पीएफ निकाल सकते हैं, उनका पेंशन कहाँ पे दिखाता है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको एक पासबुक का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट मेंबर आईडी का, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इसके सामने ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपके जितने भी कंपनी का पीएफ रहेगा, मतलब कि जितना भी मेंबर आईडी रहेगा यहाँ पे शो हो जाएगा, उस पे क्लिक करके आप उस कंपनी का पीएफ देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही मेंबर आईडी है, पहले से सिलेक्ट होके आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको आपका मेंबर आईडी शो हो जाएगा। फिर और थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपका जो टोटल पीएफ है, यहाँ पे आपने जिस भी कंपनी का मेंबर आईडी सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पे आपको टोटल डाटा दिख जाएगा। देखिए कैसे, आप सभी को बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर आपका एम्प्लॉय शेयर लिख के आ रहा है, फिर एम्प्लॉयर शेयर लिख के आ रहा है और फिर आपका पेंशन शेयर लिख के आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एम्प्लॉय शेयर है, सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो 14,393 रुपए, ये आपका पैसा है, मतलब कि आपका जितना भी पैसा कटता है वो आपके एम्प्लॉय शेयर वाले जो ऑप्शन है उसमें जमा होता है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है एम्प्लॉयर शेयर, ये आपकी कंपनी जमा करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका 14,000 पीएफ है आपका एम्प्लॉय शेयर, यहाँ पे 58,000 रुपए इनका एम्प्लॉयर शेयर है। ये दोस्तों एम्प्लॉय शेयर कम इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना पीएफ विड्रॉल भी कर लिया है, इसलिए कम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पेंशन शेयर का ऑप्शन मिल जाता है और पेंशन शेयर में आप यहाँ पे देख सकते हो 1,09,000 रुपए पेंशन है। तो यहाँ ये तो हो गया आपका तीनों पीएफ, ठीक है, मतलब कि आपके एम्प्लॉय का शेयर, आपका शेयर और आपका पेंशन शेयर, ये तो हो गया ये तीनों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब बहुत सारे पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज रहते हैं कि अगर वो एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं तो वो इनमें से कौन सा पैसा निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, आप जब भी अपना एडवांस पैसा निकालोगे किसी भी कंपनी का तो आप अपने पीएफ का 75% निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको इस बात को ध्यान में रखना है, वो जो 75% होता है वो इम्प्लॉय शेयर होता है, मतलब कि आपका जितना भी पैसा कटा हुआ है उसको आप एडवांस के तौर पर निकाल सकते हो। अगर मानिए आपका पीएफ कटा हुआ है 20,000 रुपए, ठीक है, आपका पीएफ हो गया 20,000, आपके इम्प्लॉयर का शेयर हो गया 10,000 और आपका पेंशन हो गया 10,000, टोटल मिला के हो गया 40,000।
तो दोस्तों 40,000 में से सिर्फ आप 20,000 ही निकाल सकते हो, आप पूरा में से 75% नहीं निकाल सकते हो। आप उसमें से सिर्फ 20,000 जो आपका कटा है वही पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। अब वो पैसा चाहे दोस्तों आप एक बार में निकालिए, दो बार में निकालिए, तीन बार में निकालिए, जितने बार में आपकी मर्जी हो उतने बार में आप निकाल सकते हो, लेकिन एडवांस में सिर्फ आप अपना पैसा ही निकाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे दूं कि जब आप अपने पीएफ को एडवांस विड्रॉल कर लेते हो, अपने पीएफ का पैसा एडवांस निकाल लेते हो, उसके बाद दोस्तों जब आप अगर किसी दूसरे कंपनी में काम करने लगते हो तो आपका जो पेंशन है वो पेंशन नहीं निकलता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई प्रीवियस कंपनी का पेंशन है वो आपका निकलता नहीं है। अगर आप चाहो तो अपने पीएफ को, मतलब कि आपका जो इम्प्लॉय शेयर है और आपका पैसा बचा है, वो आप ट्रांसफर करके उसको निकाल सकते हो, लेकिन आपका पेंशन नहीं निकलता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप कोई कंपनी छोड़ रहे हैं तो उसमें रिजाइन देके और अपने पेंशन को भी विड्रॉल कर लें। 6 महीने से ज्यादा का पेंशन रहेगा तो वो विड्रॉल हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको पासबुक डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पीडीएफ का बटन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके अपने पीएफ के पासबुक को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोन में जो है सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपके पीएफ में आप कैसे अपने पीएफ का पैसा चेक कर सकते हो, कौन सा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो, कौन सा पैसा आपका होता है, कौन सा कंपनी का होता है, या फिर कौन सा पैसा आपके पेंशन में जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।